दही का सेवन भी हम इस सीजन में कभी कभी कर सकते हैं, ठीक है। और पर रोज नहीं लेना है, क्योंकि दही स्पर्श से ठंडा लगता है, लेकिन इसका जो गुण है, स्वभाव है, वह गर्म होता है, स्निग्ध होता है ना, खट्टे रस का। ये वात का शमन करेगा और अग्नि को प्रदीप्त करेगा, है ना, जिससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी। तो इस सीजन में भी दही का सेवन हम कभी कभी कर सकते हैं, और दही का सेवन सिर्फ हमें सुबह ही करना है ना, शाम को नहीं लेना है, ठीक है। तो और त्रिकुट होता है ना एक, वो पाउडर भी हम यूज कर सकते हैं, सोंठ है, पीपली है और काली मिर्च है, इसको त्रिकुट बोलते हैं। तीनों को बराबर मात्रा में थोड़ा सा सेक लिया और फिर पाउडर बनाकर रख सकते हैं, तो उसको भी हम कभी कभी सब्जियों में यूज कर सकते हैं। और सौंफ, अजवाइन, लौंग है ना, इसका भी हम मुखवास के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिससे मुंह का स्वाद भी अच्छा रहेगा और हमारा जो इस ऋतु में खाना थोड़ा जठराग्नि कमजोर होती है वो भी अच्छा होगा। और फिर पानी का तो है ही, जैसे उबाल कर उसको ठंडा कर कर पीना है। और सावन का जब भी, अभी वर्षा ऋतु में जब सावन आता है ना, तो सावन और भादों के महीने में बहुत सारे व्रत त्योहार हमारे आते रहते हैं, है ना, और हम पूजा पाठ करते हैं, सात्विक बने रहते हैं, तो ना तो हमको इसमें बीमारियां कम हो, ऐसे ऐसे हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहे। जब हम इन सब चीजों में व्रत उपवास करते हैं, त्योहार आते हैं, तो इन सब से भी हम शारीरिक और मानसिक तौर पर बचे रहते हैं, उस समय हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फिर उपवास जब हम करते हैं ना, तो हमें तली हुई और साबूदाने का सेवन नहीं करना चाहिए। और फिर वर्षा ऋतु में हमें पंच कर्म चिकित्सा भी करना चाहिए, है ना, जैसे कौन सी करनी है, तो आठ का शमन करने वाली चिकित्सा इस ऋतु में सर्वश्रेष्ठ होती है। और इसके साथ ही शरीर में जैसे तेल लगाना है ना, तेल में भी बहुत सा, तिल का तेल बहुत अच्छा होता है ना। और गौरव जी, आप प्लीज म्यूट करें अपने आप को प्लीज। तो इस तिल का तेल है ना, अच्छा माना जाता है। अनम्यूट करिए भारती जी। भारती जी अनम्यूट करिए। नहीं, सॉरी, मैं ही अनम्यूट हो गई थी। ओके, तो वर्षा ऋतु में एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, वर्षा ऋतु में पंचकर्म चिकित्सा भी हमें करना चाहिए, है ना, जैसे मालिश करना है ना, वो मालिश करने से क्या है ना, वात का शमन होता है। जैसे हम शरीर में ऐसे तेजी से तेल लगाकर मालिश करते हैं ना, तो वात जो है वह ढीला होता है, उसका शमन होता है ना। तो चिकित्सा इस समय हमें तिल के तेल का मालिश करना चाहिए, है ना, और उबटन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वर्षा ऋतु में वात बढ़ाने वाली सभी चीजों से हमें बचना चाहिए, है ना, खाने में ठंडी चीजें, ठंडी हवा, है ना, इन सब से हमें खुद का बचाव करना चाहिए, है ना। तो ये सब जो है वह वर्षा ऋतु में हम जब करते हैं, तो हम अपनी अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर थोड़ा बहुत योगा, प्राणायाम, है ना, ये सब करें तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ वर्षा ऋतु में हमारी दिनचर्या, तो हम ऐसे ऋतु में रख के हम अपना अपने आप को ज्यादा स्वस्थ रखते हैं। तो अभी आपको सोनिया जी बताएंगी। अच्छा, क्या सोनिया जी? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है?
हेलो,